एक ये क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप से मिला है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है, देखो बेटा ये नीट के लिए आपने पूछा है, और ये मेरे नीट वाले संकल्प बैच का जो शीट है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, इन प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट इज व्हाट? इजी क्वेश्चन। इन प्योर रोलिंग मतलब सिर्फ वो रोल कर रहा है एक ही जगह पे, वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर रोल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पे वो रोटेट करता जा रहा है, तो इस समय में कॉन्टैक्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो योर आंसर शुड बी वेलोसिटी एट कॉन्टैक्ट इज, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो, देन योर आंसर शुड बी डी नंबर। पूछो कैसे, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। मैंने बताया था कि मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज एक टॉपिक है, और मैंने ये मेरा जो है वो वीडियो मैंने जो डाला है उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें भी देखिएगा ये मैंने कराया है, ठीक है, कि मोशन जो है रिजिड बॉडी में थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हुआ, ट्रांसलेशन मोशन, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा क्या होता है, रोटेशन मोशन, प्योर रोटेशन मोशन उसको कहते हैं, इसको प्योर प्योर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। और एक ऐसा मोशन होता है जिसमें रोटेशन प्लस, ठीक है, ट्रांसलेशन होता है। जैसे अगर यहां पे सपोज कीजिए आपके पास है इस तरह से, ये आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से इंक्लाइन प्लेन बनाओ आप लोग अपने, और यहां पर एक ऐसा करते हैं, इसको जो है रोल भी कर रहे हैं हम लोग, और ये आगे की ओर बढ़ भी रहा है, मतलब रोटेट भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। क्लियर है मेरी बात है? तो जब यहां पे कह रहा है कि प्योर रोलिंग है, सिर्फ एक जगह पे वो रोल कर रहा है, तो उस समय कॉन्टैक्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग देखना है इसको, ठीक है।